हेलो दोस्तों, ये अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फिक्स दिस बाथरूम डोर सेट। ये ऐसे वाला है, देर इज नो लॉक उसमें, मतलब चाबी टाइप का कुछ सिस्टम नहीं है, देर इज नो की सिस्टम। तो ऐसे वाला है। ये गोदरेज कंपनी का है। इस तरफ ऐसा है, इसमें की होल नहीं है, ऐसे नॉब टाइप का है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देर इज नो लॉक, मतलब ये लॉक नहीं है, बाहर की तरफ ही है। फिर भी ये वाला फिक्स हो गया है, घूम नहीं रहा है। तो अगर कभी आप लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो, सोचो अंदर कोई है और ये डोर लॉक हो गया, सो दिस थिंग इज नॉट मूविंग, सो इमरजेंसी के लिए यू कैन नो दिस थिंग। यू कैन टेक ए स्क्रू ड्राइवर, ऐसा वाला, एंड इसको ऐसे डाल के टर्न इट एंड क्लॉकवाइज, तो ये से खुल जाता है। सो दिस इज फॉर इमरजेंसी, नाउ वी विल फिक्स इट। So now we will require these three kinds of screwdrivers. One is flat one, this is pointed one, and this is one screwdriver. So ये तीन टाइप का स्क्रूड्राइवर चाहिए आपको। अब ये पॉइंटेड वाला लेंगे। इसमें अगर इफ यू सी क्लोजर, ये पास में देखेंगे तो यहाँ पे एक होल टाइप का है, तो डोर को ऐसे थोड़ा पैर से अटका दीजिए, होल्ड द डोर विथ योर लेग्स, यहाँ पे ऐसे थोड़ा प्रेस कीजिए, ऐसे थोड़ा इसको प्रेस करके, कभी कभी थोड़ा जाम हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीवर टाइप का दिखेगा, वहाँ पे इसको प्रेस करके, उसको ये पॉइंटेड वाला है, ये प्रेस इट लाइक दिस, थोड़ा सा उससे फोर्स लगा के निकाल लें टू कम आउट। यहाँ पे एक दिस लीवर काइंड ऑफ स्टफ, इसको ऐसे प्रेस करके इसको खींचेगा तो निकल जाएगा। सो इफ कभी कभी ये फंस जाता है, डोंट पैनिक, जस्ट प्रेस दिस वन, ये वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे जोर से प्रेस करके इसको खींचेगा निकल आएगा। सो दिस थिंग केम आउट, अभी भी दिस थिंग इफ यू सी दिस थिंग इज नॉट फिक्स हुआ है, अब वो हो गया, फिर भी दिस थिंग अभी भी फिक्स है। फिर विल ओपन दिस वन, so now this thing came out, so this is a false panel type का है, ये खाली एक शोपीस टाइप का है, इसके नीचे स्क्रू है, तो स्क्रू इज बिलो इट। सो यहाँ पे ऐसे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ऐसा है थोड़ा स्पेस मिलेगा, तो दिस थिंग स्पेस, यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर दबा के ऐसे थोड़ा सा हल्का दे दोगे निकल आएगा। सो जस्ट मूव इट, तो क्या होता है कि पेंट लग के इस बार फिक्स हो जाता है घर में, एंड पेंट कम्स ऑन डी, दिस थिंग इज लिटिल टाइट, तो इसको ऐसे ऐसे करके यू कैन मूव इट। सो ये आ गया। सो बच्चा ये ऊपर देयर इज अ स्क्रू ओवर देयर, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ नीचे एक स्क्रू है, सो इन अनलॉक इट, सो ये निकल जाता है। सो नाउ ऐसा वी विल यूज दिस काइंड ऑफ स्टैंडर स्क्रू ड्राइवर, ऐसे स्क्वायर टाइप का, स्टार टाइप का, सो एंटी क्लॉक वाइज इसको ओपन करना, ऐसे क्लॉक वाइज ये टाइट होगा, दिस इज ओपन। बड़ा स्क्रू रहता है, सो लॉन्ग बट लॉन्ग स्क्रू, ऊपर से। Thank you.
this panel. This panel came out. So we, this side there is no fastener. इस तरह कुछ बना हुआ नहीं है, पूरा निकल गया है इस side. So अभी क्या करेंगे? इसको ऐसे खींच लेंगे, बस खींचना है. So ये निकल आया, ये वाला निकल आया. अभी बचा ये वाला panel. यहाँ से स्क्रू से यहाँ से लगा हुआ है और ये this thing is separate. So what we'll do, we'll oil this one. जो तो oil डाल देंगे. ये वाला अभी देख रहे थे ना, फल नहीं रहा था. तो अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इसको मूव करेंगे, कहीं पर अटक गया है. सो अभी देखेंगे इसमें कहाँ पे why this thing is locked. इधर कहीं पे लॉक लग गया होगा. तो इसको देखते हैं क्योंकि तो यहाँ पे एक लॉक टाइप का रहता है, तो कभी कभी वो अटक जाता है. ये देखिए यहाँ पे ये फंसा हुआ है, इसको निकाल दो. यहाँ पे ये फंसा हुआ था, बाहर निकला हुआ था, दिख रहा था. It looks like it didn't is unlocked. It's still fixed. तो इस वजह से ये मूव नहीं हो रहा है. इसको ऐसे हाथ से दबा के इसको घुमा के बाहर निकाल दें. अभी देखो ये ऊपर. सो ये यहाँ पे थोड़ा और लगा हुआ था, यहाँ पे भी एक थोड़ा लॉक टाइप का अटक गया था. सो व्हाट हैपेंस कि दे पुट व्हेन द कंपनी गिव्स दिस वन दे पुट सम कंपनीज दे पुट ग्राफाइट पेंसिल का जो ग्राफाइट होता है उसका पाउडर वाला डाल देते हैं, कुछ ऑयल्स डाल देते हैं. सो कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस थिंग ड्राइज अप, तो ये लॉक हो जाता है, अटक जाता है इधर उधर. तो इसको बस ये निकाल देना है. अभी ये देखो दिस थिंग इज वर्किंग. अभी हम लोग इसमें ऑयल सारे डाल देंगे. तो ऑयल के लिए मैंने क्या किया, आई टुक दैट पुराना जो गाड़ी का मोबिल होता है तो लेके इसमें डाल देता हूँ. सो यूज दैट ओल्ड मोबिल, ओल्ड और न्यू वट एवर यू वॉन्ट इन ऑयल दिस वन. सो आई वॉट दिस ऑयल कैन, ये हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है कभी, नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में 30-40 रुपीज़ का आता है, छोटा वाला है बड़ा वाला भी. सो इसमें ऑयल लेके बस ये सारा हिस्सा इसको ऑयल कर देता हूँ. तो ये पूरा हिस्सा मैंने ऑयल कर दिया अच्छे से इसको, तो इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे तो पूरा ऑयल फैल जाएगा. जस्ट मूव दिस नॉब लाइक दिस एंटी क्लॉक वाइज, द ऑयल विल ऑयल ऑल द स्प्रिंग्स एंड एवरीथिंग. तो इसको कर दीजिए ऑल्सो दिस पार्ट ऑल्सो. ये दिस इसको थोड़ा एक दो बार कर लीजिए, do this 2-3 times so that it will get oil pretty well. इसे कर दिया, smooth it. So now this thing is completely well oiled. We'll leave it for 1-2 minutes. Not necessary, but in between I will open this one. ये रखेंगे और तब तक ये थोड़ा ओपन करके ये स्प्रिंग भी थोड़ा इसको ऑयल कर देंगे. We'll oil this one. So now we'll unlock this one. ये वाला ओपन करना है. बस एंटी क्लॉक वाइज ऐसे उठा लीजिए, अगर टाइट हुआ थोड़ा सा ऐसे दबा कर लीजिए. कभी कभी क्या होता है पेंट चढ़ जाता है तो ये वाला टाइट हो जाता है स्क्रू ड्राइवर, समटाइम्स पेंट गोज ओवर इट. सो दिस स्क्रू ड्राइवर इट्स लिटिल टाइट, तो उनका ऐसे अनलॉक कर दिए. सो नाउ इसको खाली ऐसे खींच देना है, बस और कुछ नहीं, ये पूरा एक सेट है, ये कंप्लीट सेट. सो ये क्या होता है, सो हाउ दिस थिंग वर्क, ये ऐसा रहता है, ये वाला हिस्सा इसके अंदर ऐसे फंसा रहता है, ये देख रहे हो ऐसे इसके अंदर फंसा रहता है. तो जब हम घुमाते हैं ये देखिए खींच रहा है, ठीक है. तो इसको भी थोड़ा इसके अंदर भी एक स्प्रिंग है. सो विल ऑल दिस वन, तो दिस थिंग मूव्स व्हेन यू नॉब दिस, मूव दिस नॉब लाइक दिस. सो दिस थिंग
gets smooth. This is how this thing moves. See? Okay. So now we'll oil this one. So we'll go inside it. It will be a bit little messy, but it will help you to save, get locked inside your bathroom. It's messy, but if you have a pinch of it, कभी कभार आप कर लेते हैं या किसी से करवा देते हैं तो आप लोग बाथरूम में लॉक होने से बच जाएंगे. ये जान नहीं होगा तो अगर बोलेंगे क्यों ऑयल करना है, ये वो क्यों करना है, फिर जब आप फंस जाओगे बाथरूम में तो वो बड़ी दिक्कत होती है. तो इसके लिए आप उसको ऑयल करते रहिए. कंपनीज को अच्छे से इसको करके भेजना चाहिए. गोदरेज एक अच्छा कंपनी है, बट स्टैंडर्ड इट इज प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क, सो इसलिए हमें करना पड़ता है. Anyways, we have to do it. So now we will fix this one. ये वाला देखो जो कट वाला हिस्सा है इसको बाहर की तरफ, जो डोर जिस तरफ बंद हो रहा है उसको उस तरफ रखना है. ये जो ऐसे स्लाइस वाला है इसको इस तरफ रखना है. मतलब क्योंकि ऐसे क्या होगा, ये जब डोर प्रेस होगा ये वाला हिस्सा ऐसे यहाँ से स्लाइड होगा तो बंद होगा ऐसे ऐसे. ये वाला हिस्सा नहीं करना, ये अटकेगा यहाँ पे. ये वाला जो हिस्सा ये अटकेगा, ये वाला हिस्सा. So we'll move, keep this one to the outside, the side the door gets closed. So we'll tighten the screws. So if this thing doesn't fit, थोड़ा सा इसमें से हैमर को मार दीजिए तो ये अच्छे से लग जाए. Then you tighten the screws. So ये अभी अच्छे से टाइट हो गया. दिस थिंग वे कम्प्लीटली टाइट इन दिस थिंग. सो ये लग गया. सो द वे आई टोल्ड यू बिफोर, दिस थिंग ग्रूव विल गो इनसाइड दिस थिंग ऐसे. जैसे ये ग्रूव ये यहाँ पे है ना, जो इसके अंदर जाएगा ऐसे. ये लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये फंस गया ऐसे. तो अभी क्या ये लग गया, इसको अगर ऐसे मूव करते हैं तो ऐसे मूव हो रहा है. अभी हमें खाली क्या करना है, वो ऊपर क्लैंप लगा के इसको टाइट कर देना है. ये क्लैंप इसके ऊपर लगा के जो हमारा जो दोस्तों का टाइट कर देना, ऊपर एक और एक सेम स्क्रू नीचे कर देना. अनदर स्क्रू ओवर हियर. सो अभी नॉब पूरा टाइट हो गया, स्क्रूज टाइट हो गए. अभी देखिए इस तरफ से ये पूरा फिक्स हो गया. अभी ये वाला पैनल खाली लगा. अभी ये जो देख रहे हैं ये ऊपर का कवर रहेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कट है. यहाँ ये दोनों जो थोड़ा हाई निकले हुए हैं इसके बीच में एक, दिस टू प्लेट्स आर लिटिल हाई एंड दिस प्लेट इज लिटिल लोअर, सो दिस कट विल बी केप्ट इन बिटवीन हियर. ऐसे लगे ये कट के बीच में ऐसे. तो इसको ये स्पेस रखने का, व्हाई वी कीप दिस स्पेस, के स्क्रू ड्राइवर लगा के इसके स्पेस होगा, इसको निकाल सकते हैं जब निकालना होगा. सो विल कीप दैट स्पेस हियर सो दैट वी कैन पुट द स्क्रू ड्राइवर एंड ओपन दिस वन. अभी ऐसा करके इसको दबा देते हैं. थोड़ा इसको हैमर से ऐसे मार देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा. अभी जोर से मैंने प्रेस कर दिया सो ये फिक्स हो गया. इसके जस्ट पुट लिटिल बिट प्रेशर सो दिस थिंग गॉट फिक्स्ड. नाउ दिस थिंग यहाँ पे एक छोटा देखिए, यहाँ पे एक नीचे की तरफ नॉब निकला हुआ है और ये यहाँ पे होल है. तो ये वाला जो हिस्सा है दिस थिंग विल कुक दिस थिंग. सो ये जो यहाँ पे लॉक निकलता है ये दिस थिंग, ये ओपन की तरफ रहेगा इस तरफ.
वैसे तो ये दिस थिंग जो नीचे थोड़ा प्रेस्ड वाला हिस्सा है ये ग्रूव है यहाँ पे तो इसको ऐसे ऊपर रखना है या अंदर नहीं जाएगा ये वाला चीज सो ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऑयल लगाने है सो दिस थिंग विल गो इनसाइड दिस ग्रूव इस पोजीशन में इसको लॉक नहीं करना है इसको ऐसे लॉक नहीं करना है इसको ओपन करके इसको रिलीज करके रखना है ये वाला हिस्सा ऐसे विल गो दिस वन बाहर नहीं निकल रहा सो दिस थिंग गॉट फिक्स्ड ये हो गया और ये भी काम कर रहा है ये भी काम कर रहा है बोथ साइड की इसको अभी लॉक कर देंगे तो ये नहीं घूम रहा है देखिए इसे ये अनलॉक हो गया लॉक किया अनलॉक हो गया ये अभी घूम रहा है इसको लॉक कर लिया तो फिक्स हो गया अब ये दिस थिंग इज कम्प्लीटली फिनिश्ड सो दिस इज हाउ यू विल फिक्स दिस राउंड शेप्ड डोर लॉक थैंक यू मेरे साथ मेरा नाम सिसिर प्रधान है और मेरे कैमरामैन है श्रीमान महांती थैंक यू फॉर वॉचिंग